गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम लोग इस लेक्चर में डील करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक है। बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हम लोग ये जान गए हैं कि जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी की पोजीशन में चेंजमेंट होता है, और उस बॉडी की पोजीशन में चेंजमेंट होता है तो उसे एफर्ट करने के लिए, रोकने के लिए या चलाने के लिए जिस रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स की जो रिक्वायर होती है, जो फोर्स की रिक्वायर होती है वो मोमेंटम है एक्चुअल में। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई बॉडी आपकी ओर आ रही है, उसे रोकने के लिए या किसी बॉडी को चलाने के लिए, मोमेंट देने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है पर टाइम, वो मोमेंटम होता है। तो बेसिकली अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर बेटा फोर्स लगाएं, तो एक बात तो तय है कि किसी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। इट मीन्स उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाती है। कुछ वेलोसिटी के आने की वजह से एक चीज तो कंफर्म है कि वो मोशन में आ गया। अब वो जब मोशन में आया तो उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हुई, उसका मोमेंटम कुछ चेंज हुआ फोर्स की वजह से। सपोज कर लेते हैं कि हम एफ न्यूटन फोर्स किसी बॉडी को देते हैं, गिवन फोर्स एफ देते हैं, और उसमें जो मोशन होता है वो टी टाइम के लिए होता है। बेटा, मोशन जो होता है वो टी टाइम के लिए होता है। अब टी टाइम के लिए मोशन अगर आया उस बॉडी में, सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हम उसका यू देखें, तो फोर्स लगाने के बाद टी टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो वी हो जाएगा। और जो जिस बॉडी पर टी टाइम के लिए हम एफ न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं मास ऑफ बॉडी जो है वो स्मॉल एम। अब आप देखें कि फोर्स लगाने से पहले का उसका मोमेंटम क्या था। इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम को अगर हम पी वन से डिनोट करें तो पी इक्वल टू एम वन एंड यू वन, वे पी वन इज द मोमेंटम बिफोर द अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी, एंड आफ्टर टी टाइम टेकन इट विल चेंज आवर वेलोसिटी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बॉडी। तो जब बॉडी पर ये एफ फोर्स अप्लाई किया गया तो उसकी जो मोमेंटम चेंज हुई या वेलोसिटी जो उसका चेंज हुआ, इट मीन्स वो कहलाएगा आपका फाइनल मोमेंटम। यानी कि अगर हम उसे P2 से यहां पर रिप्रेजेंट करें तो वो होगा M2 एंड V2। M2 इज द मास ऑफ बॉडी एंड V2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बट हेयर इन बोथ इक्वेशन बॉडी का मास रिमेंस कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वो दोनों सिचुएशन में एक ही बॉडी ली जा रही है। तो इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं P1 इक्वल टू एम यू वन एंड P2 इक्वल टू एम यू वी टू। अब इस सिचुएशन में हम देखें कि फोर्स लगाने के बाद उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें, तो डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और P2 जहां पर बेटा हमारा एम वी वी, यहां पर वन ना लिखकर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ज्यादा ठीक रहेगा यूं, इसको हम वन और टू से रिप्रेजेंट ही ना करें तो ऐसे कर दें, तो एम वी वन माइनस एम यू ये हो जाएगा। एम कॉमन कर लेंगे तो वी माइनस यू हो जाएगा। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब बेटा अगर ये मोमेंट चेंज हो जा रहा है एम इज इक्वल टू वी माइनस यू टी सेकेंड के लिए, यानी कि ये टी सेकेंड में इतना मोमेंट चेंज कर सकता है एफ न्यूटन फोर्स अप्लाई करें बॉडी पर, तो
तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बेटा रेट का मीनिंग ही यही है, टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है, मोमेंटम चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। और हमने चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट किया एम वी माइनस यू अपॉन यहां पर टाइम को डेल्टी से, डेल्टी टाइम के लिए चेंज कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम, और ये इसे लिख सकते हैं बेटा डेल वी अपॉन डेल टी। और आपको एक्सीलरेशन का फार्मूला मालूम होगा, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल वी अपॉन डेल टी होता है। और इस डेल वी अपॉन डेल टी को हम इंडिकेट कर सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट, इस इक्वेशन में हम डेल वी अपॉन डेल टी के प्लेस पर ए प्लेस करेंगे तो निकल कर आएगा फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से न्यूटन का सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया एफ इक्वल टू एम ए, एम ए। तो यहां पर एम जो है वो बॉडी का मास है और ए एक्सेलरेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन। तो किसी भी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया है बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।